नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जहाँ की आबादी है मात्र एक आदमी। जी हाँ, जापान के तोमियोका में आबादी मात्र एक आदमी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जापान के तोमियोका में साल 2010 तक की आबादी करीब 15,000 थी। फिर 2011 में सुनामी आई और फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से रिसाव होने लगा। इसके चलते रेडिएशन फैला जिसकी जद में तोमियोका भी था। रेडिएशन के डर से सारे लोग यहाँ से भाग गए। सिर्फ 58 साल के नोता मत्सुमुरा रह गए। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वे अपने शहर में छूट गए जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करना चाहते थे। हालांकि यह सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। जापान के तोमियोका नाम के शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति रह रहा है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि इस पूरे शहर में वह अकेला अपना जीवन यापन कर रहा है। एक इंटरव्यू में मत्सुमुरा ने कहा था कि जब भूकंप आया था तब वह काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सुनने में आया कि सुनामी आने वाला है और वह घर लौटने से पहले सुनामी का इंतजार कर रहे थे। और अगले ही दिन उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट होने की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि फिर किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी कि क्या हुआ, क्योंकि वह बहुत बड़ा विस्फोट था। इस घटना के बाद पूरा शहर खाली हो गया। लोग इस शहर को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। मत्सुमुरा भी इस दौरान इवाकी में अपने चाची के घर गए थे, लेकिन वहां उन्हें रहने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि वहां यह कहा गया कि वे लोग विकिरण से प्रभावित हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अब मत्सुमुरा अपने परिवार तोमियोको शहर से 18 मील दूर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है, लेकिन पशुओं के आहार चारे की चिंता उन्हें फिर से तोमियोका खींच लाती है।